इस वीडियो में हम देखेंगे कैंडल स्टिक एनाटॉमी के बारे में, मतलब हायर टाइम फ्रेम में आप कैंडल को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कैसे देख सकते हो। हे दोस्तों, मैं काज गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल स्टेप ट्रेडर्स पे। इस वीडियो में हम देखेंगे चार्ट्स में अगर हमें H4 में या H1 में कोई हमें विक दिख रही है तो कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर हमारी एक कैंडल होती है और हम बिना स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाए उसे हायर टाइम फ्रेम पे मार्क कर दें सो दैट हम अपना टाइम बचा सकें, हम चार्ट्स को कैंडल्स को और अच्छे से प्रिसाइज वे में रीड कर सकें। सी, कैंडलस्टिक चार्ट एक लैंग्वेज है चार्ट्स का अपने आप में, हमें एक बार वो रीड करना आ गया अच्छे से देन वी विल बी मच बेटर इन अवर ट्रेडिंग, हम ट्रेडिंग में काफी अच्छा कर सकते हैं। बट कैसे, अभी स्क्रीन पे चलेंगे देखेंगे हायर टाइम फ्रेम की कैंडल कैसे बनती है स्मॉलर टाइम फ्रेम से। सी, अगर आप कोई 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो तो 15 मिनट की कैंडल 3-5 मिनट की कैंडल से बनी है क्योंकि 5-3-15 तो 15 मिनट की हमारी एक कैंडल हो गई वो। अब 15 मिनट की आप अगर चार कैंडल मिला दोगे तो वो हमारी एक घंटे की एक कैंडल होगी। कैसे, 15 मिनट की एक, 15 मिनट की दूसरी, 15 मिनट की तीसरी, फिर चौथी, तो ऐसे हमारी चार कैंडल को हमने कंबाइन कर दिया तो हमारी बनती है वो एक घंटे की एक कैंडल। इन द सेम वे अगर हम एक घंटे की चार कैंडल को मिला लेते हैं तो बनती है हमारी एक कैंडल H4 की। बट वो कैसे होता है चार्ट में पूरा उसका अभी हम मैग्निफिकेशन देखेंगे चार्ट पे चल के, स्क्रीन पे चल के। बट मेक श्योर चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो लाइक कर दियो और बेल आइकन प्रेस कर दिया। चलते हैं सीधा स्क्रीन पे देखेंगे डिटेल में इसके बारे में सारी डिटेल्स। इसकी हेल्प से आपको चार्ट ट्रीट करना काफी इजी हो जाएगा और आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। हम H4 में अलग देखते हैं, M15 में अलग देखते हैं, वो सारे काम अब इसके बारे में आपके खत्म होने वाले हैं। बट स्क्रीन पे चले उससे पहले देखते हैं कि काफी लोग बोलते हैं कि प्राइस हमारा फ्रैक्टल होता है, प्राइस जैसा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे करता है वैसा हायर टाइम फ्रेम पे करता है, वो क्यों करता है, उसके पीछे का लॉजिक आपको इस वीडियो में समझ आएगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया M5 की तीन कैंडल बना के बनती है हमारी M15 की एक कैंडल, M15 की चार कैंडल से बनता है हमारा H1 का एक कैंडल। मतलब जैसा प्राइस M5 में करेगा वैसा ही वो M15 में करेगा, जैसा M15 में करेगा वैसा ही H1 में करेगा एंड सो ऑन, ऐसा ही हमारा H4 में, डेली में, वीकली में। दिस इज व्हाई वी से प्राइस इज फ्रैक्टल, इसलिए हम बोलते हैं प्राइस फ्रैक्टल है। आप जो भी कॉन्सेप्ट्स कहीं पर सीखते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के या सप्लाई डिमांड के, वो चाहे आप स्मॉलर टाइम फ्रेम 5 मिनट्स में यूज करो या हायर टाइम फ्रेम H1 H4 में, वो सेम काम करते हैं, सेम चीजें होती हैं सारे टाइम फ्रेम पे। सो जो भी आप सीखोगे किसी भी आप टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम आ गए स्क्रीन पे देखते हैं, मैंने गोल्ड का चार्ट खोल रखा है ये M30 में, लेट मी ओपन इट इन M15। तो M15 में अगर मैं अभी रिसेंट का चार्ट देखता हूँ, ये देखो हमें रिसेंटली दो बुलिश कैंडल मिली है। कैसी मिली हमें दो बुलिश कैंडल, इन दोनों कैंडल को हम बात करते हैं। अभी आप भूल जाओ कि पीछे हमारा मार्केट क्या था कैसा था, जस्ट इन दोनों कैंडल को आप फोकस करो। अभी आप मुझे बताओ अगर आप इन दोनों कैंडल को ज्वाइन करते हो मिलाते हो तो हमारी कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस होएगा, जो लोवेस्ट पॉइंट होएगा वो ये होएगा और जो हाईएस्ट पॉइंट होएगा इन दोनों कैंडल को, सपोज करो हम दोनों कैंडल को अगर मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, एक और एक, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट ये है, हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट हमारा क्लोजिंग पॉइंट कौन सा है, कैंडल का हमारा क्लोजिंग पॉइंट है ये वाला, लेट मी चेंज द कलर विद द ग्रीन, ठीक है, ये हमारा इसका क्लोजिंग पॉइंट है। बट ओपनिंग पॉइंट कौन सा है हमारा वो देखेंगे हम नीचे वाले पॉइंट का, क्यों, दोनों हमारे बुलिश की कैंडल है तो इसलिए हम देखेंगे इस पर नीचे वाली कैंडल, नीचे वाली कैंडल हमने देखी, इसका हम कलर मार्क करते हैं, चलो मार्क करते हैं, लेट से ब्लू कर देते हैं। तो जो ओपनिंग प्राइस है कैंडल का वो नीचे वाला ब्लू है, क्लोजिंग प्राइस जो है वो ऊपर वाला ग्रीन है, हाइएस्ट पॉइंट और लोवेस्ट पॉइंट वो दोनों हमारे रेड पॉइंट्स हो गए। तो ये हमारा दोनों का सीन हो गया। तो इसकी हमारी कैंडल कुछ इस तरह बननी चाहिए, ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट और ये हमारा नीचे वाला हमारा ओपनिंग पॉइंट, नीचे वाला और ऊपर वाला हमारा क्लोजिंग पॉइंट, लेट मी चेंज विद द ग्रीन कलर, ठीक है, ये ब्लू हो गया, चलो कोई बात नहीं। और ऊपर क्या है हमारे यहाँ पे विक है, तो ऊपर हमारे इस तरह से कुछ एक विक आएगी और इसी तरह से नीचे हमारे यहाँ पे एक ये विक आएगी। इस तरह से हमारी एक कैंडल बननी चाहिए 30 मिनट्स में, क्यों, 15 मिनट के हमने दो कैंडल मिला ली तो हमारा एक बड़ा हायर टाइम फ्रेम मिल जाना चाहिए अब 30 मिनट्स में। सी, 30 मिनट्स में जो मैंने कैंडल बनाई उसी तरह की वो कैंडल थी, लेट मी इंक्रीज दिस, सी इस तरह की मैंने वो कैंडल बनाई थी और इसी तरह की हमारी वो बुलिश कैंडल मिली है, नीचे लो ऊपर हाई, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। इस तरह से 15 मिनट में मुझे पता लग गया कि मेरे इस तरह से कुछ दो कैंडल होंगी और ये मैंने इन्हें यहाँ पे ड्रॉ कर लिया।
लेट्स गो इन 30 मिनट्स नाउ। अब अगर हम 30 मिनट्स की दो कैंडल ज्वाइन कर देते हैं तो हमारी बनेगी 60 मिनट की एक कैंडल। कैसे बनेगी वो, अभी हम अगर इसे हटाते हैं, लेट मी डिलीट ऑल दीज थिंग्स। सी मैंने सारी चीज हटा दी है, लेट मी डिलीट दीज लाइन्स एज वेल। अब हम पे दो कैंडल आएंगे, एक बियरिश एक बुलिश 30 मिनट्स में। पहले हम लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट मार्क करते हैं। तो इन दोनों कैंडल में हम देखेंगे लोवेस्ट पॉइंट हमारा ये वाला है और हाईएस्ट पॉइंट हमारा है ये वाला। तो ये हो गया हमारा इस पूरी कैंडल का लोवेस्ट और हाईएस्ट पॉइंट। अब देखते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। पहले देखते हैं हम ओपनिंग पॉइंट। सी पहले हमारी ये वाली कैंडल आई, फिर ये वाली हमारी बुलिश कैंडल आई, बियरिश कैंडल पहले आई, इसका ओपनिंग प्राइस था यहाँ पे, तो कैंडल हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन हुई होगी वो। तो हमने यहाँ पे लगा दिया अपना ओपनिंग की लाइन, लेट मार्क इट विद द रेड। तो यहां से हमारी कैंडल ओपन हुई, पहले हमारा प्राइस नीचे गया, फिर अगले ही कैंडल में प्राइस हमारा उतना ऊपर भी आ गया। आप देखोगे पहले हमारा प्राइस इस बेरिश कैंडल में नीचे आया, फिर अगले बुलिश कैंडल में उतना ही प्राइस हमारा वहां तक ऊपर आ गया। तो मतलब जितना नीचे उतना ऊपर, तो वो हो गया हमारा एक विक, नीचे आएंगी हमारी विक, फिर प्राइस हमारा यहां से ऊपर गया है यहां तक। ये हुआ इसकी क्लोजिंग, वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट नहीं है। अब जो मैंने मार्क करी है ये है हमारी इसकी क्लोजिंग, लेट्स मार्क इट विद द ग्रीन। सो ओपनिंग प्राइस हमारा ये वाली रेड वाली लाइन, क्लोजिंग प्राइस ग्रीन वाली लाइन, और हाईएस्ट पॉइंट ये ब्लू वाली, लोवेस्ट पॉइंट ब्लू वाली। तो इसकी हम एक कैंडल अगर हम H1 में देखेंगे तो कुछ ना कुछ इस तरह की मिलेगी हमें। नीचे हमें इसमें विक मिलेगी, कहां तक मिलेगी विक, कुछ इस तरह से लंबी वर्टिकल विक और ऐसे ही ऊपर वर्टिकल विक। तो हमारी ये विक होगी, हमें हैमर टाइप में मिलेगा। लेट्स सी 1 आर में देखो कैसा मिल रहा है हमें, हैमर मिल रहा है। कैसी हमारे नीचे की ये हमें एक विक मिल रही है लॉन्ग, वही मैंने विक यहाँ पे मार्क करी है। ये हमें लॉन्ग विक मिली, ऊपर हमारा प्राइस गया, ऊपर हमारे वो विक गई। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से मैंने मार्क करा। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, 30 मिनट्स की मैंने दो कैंडल ली, हमारा ओपनिंग प्राइस हुआ ये वाला, यहाँ से हमारी कैंडल ओपन हो गई, इसके बाद प्राइस नीचे गया, अगले ही कैंडल में ऊपर आ गया। मतलब हमने, आप ऐसे ऐसे समझो, हमने 2 प्लस कर दिए और 2 माइनस कर दिए, तो 0 हो गया अल्टीमेटली। उसका इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, सेम यहाँ पे हुआ, जितना प्राइस नीचे गया उतना प्राइस ऊपर आ गया, तो कोई वहां पे उसका इफेक्ट नहीं हुआ। वो हमारी जस्ट एक कैंडल है, हमारी जस्ट एक विक है। ओपनिंग प्राइस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आया, और ये हाईएस्ट पॉइंट और ये लोवेस्ट पॉइंट, ये हो गया हमारी H1 का हैमर। इस तरह से दो 30 मिनट से कैंडल ने एक हमारा हैमर बना लिया H1 का। सो क्या हुआ हमारा, देखो 15 मिनट के हमारे चार कैंडल को हम देखते हैं। अगर ये हमारी चार कैंडल थी, दो बियरिश और फिर दो बुलिश, इन चारों पॉइंट में लोवेस्ट पॉइंट ये था, हाईएस्ट पॉइंट ये था, ये हमारा लोवेस्ट हाईएस्ट आ गए, और ओवरऑल हमारी इन चार कैंडल 15 मिनट की चार कैंडल बना के 1 घंटे की हमारे कुछ ऐसी कैंडल बन रही है। अब 1 घंटे की हमारी एक कैंडल है, 1 घंटे के हम चार कैंडल को मिला देंगे, वो हमारी सिंगल कैंडल बनेगी H4 की। तो अब हम इन चार कैंडल को लेते हैं, लेट मी डिलीट ऑल ऑफ दीज थिंग्स हियर, लेट मी डिलीट ऑल। तो हमारी चार कैंडल आएंगी, इन चारों कैंडल में जो लोवेस्ट पॉइंट है हमारा वो ये वाला है, हाईएस्ट पॉइंट जो है हमारा वो ये वाला है, लेट मी मार्क द हाईएस्ट पॉइंट। अब चारों हमारी बुलिश की कैंडल है, ओपनिंग पॉइंट हमारा ये वाला है, इस वाली प्राइस पे प्राइस कभी दोबारा आया ही नहीं, क्लोजिंग पॉइंट अल्टीमेटली हमारा ऊपर वाला ही होगा। तो इसकी हमारी कैंडल कुछ इस तरह से बनेगी H4 में, एक स्ट्रॉन्ग हमारी बुलिश कैंडल जाएगी जिसमें हमारा एक छोटी सी विक ऊपर आएगी बस, और बहुत छोटी सी विक हमारी नीचे आएगी। इस तरह की हमारी एक कैंडल बनेगी H4 की। क्यों, अभी हम H1 की है, H1 के हमने चार कैंडल मिला दी है, तो हम H4 में देखते हैं, H4 में हमें इस तरह की कैंडल चार मिल रही है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ आ रही होंगी किस तरह से पूरा कैंडल्स बनती हैं ये सारी। मैं इस पर रिमूव ड्रॉइंग्स करता हूँ अगेन। अब देखो हमारी H4 की कैंडल हो गई, अभी हम यहाँ पे, मैं इससे थोड़ा छोटा करता हूँ, अभी तो मैंने आपको दिखाया कैसे बनता है, अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं 30 मिनट्स में और 15 मिनट में कैसे कैसे इसका होता है। अब इसका हम यूज केस देखते हैं रियल मार्केट में। अगेन मैंने गोल्ड के चार्ट खोल रखा है, मैंने अपनी सारी ड्रॉइंग्स हटा दी है, ठीक है। अब देखो एक ये हमारी विक है, जिस विक ने पुराने सारे लिक्विडिटी यहाँ पर रन करी है, जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी, जितने भी यहाँ लोगों का स्टॉप लॉस था, उस एक सिंगल विक ने सबको रन कर दिया, सबको स्टॉप आउट कर दिया। तो अब ये आप बोलोगे खाली विक है H1 में, बट नहीं, अगर मैं यहीं पे ही M15 में जाता हूं तो मेरी एक अच्छी खासी कैंडल होगी। सी ये मेरा इन्वर्टेड हैमर हो रहा है H1 में, H1 से हम M15 में आए,
15 मिनट में इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है, बट अगर हम इसे M1 अगर हम इसे H1 में देखते हैं, H1 में हमारी प्रॉपर कैंडल की विक है, मैंने विक से पहचान लिया कि ये मेरा सेलिंग जोन है, यहाँ से ऑर्डर्स नीचे आएंगे। कैसे? मुझे 15 मिनट्स में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये विक का मतलब है मेरा स्मॉलर टाइम फ्रेम M5 और M15 में कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है। सी M5 में प्रॉपर कैंडल है और M15 में हमारा एक ये इन्वर्टेड हैमर है। होप आपको पता लग गया होगा कैसे आपको हाई टाइम फ्रेम पे रहते हुए भी स्मॉलर टाइम फ्रेम की कैंडल को एनालाइज करना है और उसे मार्क करना है। तो मुझे अब यहाँ पे M15 पे जाने की जरूरत नहीं थी, मैंने H1 से ही इस जोन को मार्क कर लिया और यहाँ से अच्छी खासी एंट्री लेकर सेलिंग पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था डायरेक्टली H1 पे ही अगर मैं इसे ट्रेड करता तो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यूरो यूएसडी या GBP, चलो GBP यूएसडी ले लेते हैं। GBP यूएसडी में हम चलते हैं अगर, और चार्ट को अपना हम रिसाइज करते हैं, H4 पर चलते हैं। चलो हम डिफरेंट टाइम लेते हैं तो सी प्राइस हमारा कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम है, ठीक है, सब नीचे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देता हुआ जा रहा है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसे मार्क करते हैं? चौक फ्लिप, तो उसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बना रखी है, वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाके वो देख सकते हो। रेस्ट अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पे अभी काफी सारा और आपके लिए सेम ऐसा एजुकेशन कॉन्टेंट आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो हमें एक ये मिला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर डाउन साइड, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिला? वो मिला हमारे इस वाले इन्वर्टेड हैमर की विक से। सी मैंने क्या करा है, अभी मैंने जस्ट इसकी विक मार्क करी है, नथिंग एल्स, जस्ट मैंने इस हैमर की विक मार्क करी H4 में। और अब मैं अगर 30 मिनट्स में जाऊंगा तो मैं देखूंगा वहां पे मुझे प्रॉपर एक कैंडल मिल रही है। सी यहाँ पे मुझे एक इन्वर्टेड हैमर मिला अगेन, मैंने इसे H4 में देख लिया कि H4 में विक का मतलब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके मेरी एक कैंडल बनेगी। H1 पे आया, कोई प्रॉपर कैंडल नहीं है, M30 मैंने आपको दिखा दी है, और अगर मैं यहाँ पे M15 में आता हूँ तो प्रॉपर मेरी यहाँ पे कैंडल बन रही है। बट अगर मैं M30 के अकॉर्डिंग इसे देखता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा एक इन्वर्ट हैमर है अच्छा खासा, मुझे M30 में आने की जरूरत नहीं थी। मैंने देखा मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है H4 में मेरा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मेरा कहाँ से आया? इस वाले मेरे इन्वर्टेड हैमर की विक से आया, मैंने उस विक को मार्क कर दिया, मैं M30 में आया। मैं M30 में ही क्यों आया, इसके पीछे भी देखो लॉजिक है, मैं H1 में या फिर M15 में क्यों नहीं गया? सी यहाँ पे H4 है यानी काफी सारे नॉइजेस होंगी, तो H1 का मतलब होगा खाली एक इस विक का चार कैंडल मिलेंगी, M15 का मतलब है बहुत सारी कैंडल मिलेंगी। तो इस रीजन से मैं यहाँ पे M30 में आया कि मेरे चार नहीं मुझे आठ कैंडल मिल जाए पीछे, और इस वजह से यहाँ पे मुझे पूरा प्रॉपर एक बारे में पता लग गया कि यहाँ पे मेरी कैंडल है। डेट्स वाई H4 के बाद डायरेक्टली मैंने M30 में एंटर करा और वहां पे मुझे डायरेक्टली इन्वर्टेड हैमर की कैंडल मिल गई, जोन मिल गया, पता लग गया। तो इस जोन से मैं एंटर लूंगा और यहाँ पे मैं एग्जिट मार दूंगा। अगर मैं इसकी ट्रेड लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इसकी ट्रेड लगाता तो मैं डायरेक्टली यहाँ से ट्रेड लगा के लास्ट वाले लो तक, मेरा ये वाला लास्ट वाला स्विंग लो था, मैं यहाँ तक का इसमें रिवॉर्ड अच्छा खासा लेता हूँ। H4 से ही मुझे पता लगा कैसे करना है, सिंगल कैंडल H1 में, H4 की सिंगल कैंडल में मुझे इसमें प्रॉपर अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल गया। अगर मैं इसे हटा देता हूँ, सी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कहाँ से आया? इन्वर्टेड हैमर की विक से, H4 मैंने विक मार्क करी, M30 में गया मैं, M30 में मैंने देखा विक है अच्छा खासा, हैमर है हमारा इन्वर्टेड हैमर, वहां से मैं एंट्री लेके प्रॉफिट हो जाएगा। दिस इज हाउ कैंडलस्टिक एनाटॉमी वर्क्स फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। सारे कैंडलस्टिक जितने भी हमारे M1 में बनती हैं, M1 के तीन कैंडल बना के हमारी M3 बनाती हैं, M5 के तीन कैंडल मिलके हमारा M15 बनता है, M15 की चार कैंडल से हमारा H1 बनता है, H1 की चार कैंडल से हमारा H4, और सिमिलरली सो ऑन, H4 की छह कैंडल से डेली की सात कैंडल से छह पांच कैंडल से हमारा वीक का टाइम फ्रेम बनता है। दिस इज वाई वी नोन से प्राइस इज फ्रैक्टल। काफी लोगों को आपने सुना होगा कभी ना कभी बोलते हुए प्राइस इज फ्रैक्टल इन फ्रैक्टल, अब इसका ये लॉजिक है प्राइस फ्रैक्टल हमारा क्यों होता है। उम्मीद है आपको काफी कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, आपको पता होगा कि किस तरह से आपको अपना कैंडलस्टिक एनाटॉमी हायर टाइम फ्रेम से देखना है। स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अब शायद आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हायर टाइम फ्रेम से ही आपको पता लग जाएगा किस तरह से आपको वहां पे एंट्री मार्क करनी है, कौन सा आपका ऑर्डर ब्लॉक डिमांड्स एंड सप्लाईज होने हैं। बाकी स्टिल अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू हेल्प इन बेस्ट पॉसिबल वे। बाकी अगर आपको डेली गोल्ड और फॉरेक्स का सिग्नल चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, वहां पे आपको डेली सिग्नल्स मिल जाएंगे, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दूंगा।
और उम्मीद है आपको पता लग रहा होगा प्राइस हमारा फ्रैक्टल कैसे होता है, कैसे हमारा स्मॉलर टाइम फ्रेम बन के हायर टाइम फ्रेम बनाता है और हायर टाइम फ्रेम बन के हमारे स्विंग ट्रेडिंग का हमारा हायर टाइम फ्रेम बनाता है जैसे वीकली और मंथली। सो मंथली कैंडल हमारी एक एक मिनट की कैंडल से ही बन के बनती है, बस उसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, एक मिनट से तीन पाँच पंद्रह तीस एक घंटा चार घंटा डेली इस तरह से हमारी मंथ की कैंडल बनती है। उम्मीद है इसमें काफी कुछ आपको समझ आया होगा, बट स्टिल कोई भी डाउट है डोंट वरी आप नीचे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें हमारे इस तरह वीडियोस देखने के लिए, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, वहां पे आपको डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, एनालिसिस मिल जाएगी गोल्ड की, बाकी सारे फॉरेक्स पेयर के लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक प्रॉफिट करते रहिए, सीखते रहिए, और हमारा शॉर्ट चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स आपको डिटेल में सीखना है तो इस वाले प्लेलिस्ट पे जाके अब आप सीख सकते हैं।